बीजेपी से आपका एक तरफा प्यार रहा है, बीजेपी के लोग आपको मंत्री नहीं बना के दूसरे लोगों को बना दिए, भाई इस पे क्या कहना है मुझे? जब मेरे अपनों ने ही धोखा दे दिया, आपको लगता है आज की तारीख में मेरी हैसियत है कि मैं किसी दूसरे पे उंगली उठाऊं? हम लोग अभ्यर्थियों की ओर से सवाल है, बीएसएससी मामला 7 साल से लटका हुआ है, 13,000 प्लस बहाली था, शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया, अनियमितता की बात हुई थी उसमें, अभ्यर्थी खुलेआम कह रहे थे, फिर दरोगा बहाली में भी अनियमितता की बात हुई थी, आपसे पटना में बातचीत हुई थी उस पर आपने किया था, फिर दिल्ली आप चले गए, तो इन सभी मुद्दों को लेकर आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए कब नजर आएंगे? भाई उनको घेरने की जरूरत ही नहीं है, उनको पूरे चुनाव में मैं उनको घेरता रहा हूं। बट जो व्यक्ति कान में रुई डालकर बैठे हो उनको आप घेर के क्या कर लेंगे? उनको बदलने की जरूरत है। मौजूदा मुख्यमंत्री ये बयान दे दे कि बिहार में रोजगार लग ही नहीं सकता, क्यों? वाटर बॉडीज के चक्कर में। जो मुख्यमंत्री साफ पल्ला झाड़ ले कि भैया हम बिहार में हम रोजगार नहीं दे सकते, जो मुख्यमंत्री अपने विकास की गाथा जो लिखते नहीं थकते, उनकी विकास की गाथा में एक अस्पताल जो मुख्यमंत्री ना बना पाए, जो उनकी आंख का कैटरेक्ट का इलाज बिहार में कर दे, एक कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने के लिए मुख्यमंत्री 1,000 किलोमीटर की यात्रा कर जाते हैं दिल्ली चार्टर फ्लाइट से, तो आप सोचिए कि क्या वो मुख्यमंत्री ये भर्ती करवाएंगे? क्या वो मुख्यमंत्री इस तरीके की बातों पर ध्यान देंगे? मैं तो विधानसभा से पहले मैंने तमाम सारे विषय उनके समक्ष रखे थे, आज तक बता दीजिए कौन सा ऐसा विषय। और मुझे छोड़ दीजिए ना भैया, जनता सड़क पर उतरी हुई है और जनता ने कहीं ना कहीं तीसरे नंबर की इनको पार्टी बनाया, तो ये मैंडेट इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो नहीं था ना, ये बात तो स्पष्ट है। अब भले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हो या अनुकंपा पर बने हो या परिस्थितिवश बने, पर ये बात तो स्पष्ट है ना कि जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनने का मैंडेट नहीं दिया था, आधी से कम उनकी सीटें कर दी थी। अब आज वो फिर मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री भी भैया ऐसे जो कि मुख्यमंत्री कार्यालय में कम अपने पार्टी के कार्यालय में ज़्यादा समय देते हैं, वो खुद ही एक चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। भाई हम लोग क्या बोलेंगे कि चुनाव होने वाला है? मुख्यमंत्री खुद ही, क्योंकि तीसरे नंबर की पार्टी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो खुद ही चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। लव कुश समीकरण क्यों साध रहे हैं भैया? ये सारी चीज़ें आप चुनाव के वक्त करते हैं ना, समीकरण साधना, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, क्योंकि वो खुद आज नहीं तो कल वो अपना समर्थन खींचेंगे। और जिस तरीके से वो पलटी मारते रहे हैं इससे पहले भी, कभी महागठबंधन के साथ, कभी मोदी जी के साथ, फिर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के नाम पर अलग होना, फिर महागठबंधन में जाना, फिर लालू जी को धोखा देना, ये करते रहेंगे और यही प्रैक्टिस अभी बहुत जल्द आगे निभाएंगे। क्यों नहीं करेंगे? मेरी 11 नवंबर वाली वो बाइट निकालिएगा, आर्काइव में होगी, मैंने उस दिन भी मैंने ये बात बोली थी भाई। अब इनका अब लक्ष्य बस यही है कि किस तरीके से विपक्ष के जाके नेता बन जाए, तो उसके लिए इनको किसी को भी धोखा देना पड़े। अपनी पार्टी के लोग को धोखा दे रहे हैं भैया, अपनी पार्टी के लोगों को। ललन जी को क्यों धोखा दिया भैया, बताइए? क्यों नहीं उनको आपने मुख्यमंत्री, क्यों नहीं उनको आपने वहाँ पे मंत्री बनाया? या आपके पार्टी में और कोई ऐसा नहीं था जिनके आप वोट लेते हैं, जिस समीकरण को आप साधने का प्रयास करते हैं, उन लोगों में से आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता था जिनको आप ये केंद्र में जिम्मेदारी दें?